नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार 11 बजे से लेके 11:30 बजे के बीच में दिए गए नंबर पर आप मिलाएं फोन और आपकी डायरेक्ट बात होगी मुझसे। मैं दूंगा आपकी सभी प्रश्नों का उत्तर और आपकी सभी समस्याएं होंगी झट से मिनटों में सॉल्व और आप पा सकेंगे एक अच्छा जीवन। यह सुविधाएं सिर्फ उन्हीं को मिलेंगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और घंटी वाले निशान को दबाया होगा। और आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना, आप सभी दर्शक जीत सकते हैं अपनी राशि का लकी लॉकेट। इसके लिए आपको अपना नाम और फोन नंबर लिखकर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना होगा और या फिर व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होगा। हम 5 लकी विजेताओं को हर महीने देंगे उनकी राशि का लॉकेट। यह लॉकेट पहनने के बाद निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो करें चैनल को सब्सक्राइब और जुड़ जाएं मुफ्त सुविधाओं और उपहारों के लिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए अब शुभारंभ करते हैं। मेष राशि 15 से 21 दिसंबर तीसरा सप्ताह कैसा जाएगा? यदि हमें पहले से पता लग जाए कि आने वाला सप्ताह कैसा जाएगा तो हम तैयारी भी पहले से कर पाएंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे तीसरे हफ्ते की हर वह बात जो आपसे जुड़ी है, आपकी नौकरी, व्यापार, धन लाभ, प्रगति, शिक्षा, सेहत, शत्रु, छात्रों की सफलता का मंत्र और बढ़िया व सरल उपाय और शुभ अशुभ तारीखें। जानते हैं मेष राशि वाले सभी महिला और पुरुषों के लिए 15 से 21 दिसंबर का समय कैसा है। 15 तारीख आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आ रही है। आज के दिन आप धन कमाने के हर अवसर का लाभ उठा पाएंगे और धनवान व्यक्तियों की श्रेणी में आएंगे। आज के दिन आप धनवान, बुद्धिमान, सामर्थ्यवान, श्रेष्ठ व्यक्ति, महिला या पुरुष हो सकते हैं। आज के दिन आपको अपनी वाणी में मिठास रखनी चाहिए। आज आपके मित्र कम होंगे लेकिन श्रेष्ठ मित्रों से बढ़िया मित्रों के बीच में ही आपका उठना बैठना या बातचीत होगी। आज आप राजा के समान दिन बिताएंगे। आज गर्भवती महिलाओं को सावधानी पूर्वक दिन बिताना चाहिए। छात्रों को शिक्षा से लाभ होगा। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो प्रमोशन होगी। संतान की सेहत का विशेष ध्यान अवश्य रखें। सूर्यास्त के बाद आप शाम को संभल कर रहें, धन हानि या चोरी की संभावना बनती है। आप अनिद्रा के भी शिकार हो सकते हैं। विदेश यात्रा से लाभ होगा। आज घूमने फिरने का मौका मिलेगा और अच्छे भोजन का आनंद लेंगे। अब बात करते हैं 16 और 17 दिसंबर की। यह दोनों तारीखें आपके लिए शुभ नहीं है। आपका धन खर्च होगा, धन की हानि होगी, आपके मन में चली आ रही खुशियों का व्यय होगा, आपका मन अशांत रहेगा, आप अध्यात्म ईश्वर की तरफ झुकेंगे। आज आप जन्म स्थान से दूर जाकर बसने की या धन कमाने के बारे में भी सोच सकते हैं। आपकी माता जी की आध्यात्मिक सोच आपके ऊपर प्रभाव डालेगी। आपका मन कल्पनाओं में खोया रह सकता है। आप दिन में बैठे बैठे सपने देखते रहेंगे। आपके लिए विदेश से जुड़ी कोई शुभ खबर आ सकती है। आप भीड़ भाड़ छोड़कर एकांत को पसंद करेंगे। आज आप कम बोलेंगे। शत्रुओं की संख्या में इजाफा हो सकता है। धन खर्च अधिक होने के कारण पारिवारिक तनाव और वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। आपको आंखों संबंधी पीड़ा या चोट लगने की संभावना दिखाई पड़ती है। आपके अंदर क्रोध और चिड़चिड़ापन अधिक रहेगा। आप आलसी प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में धन अधिक खर्च होगा। बीमारी पर भी धन खर्च होने की संभावना दिखाई पड़ती है। तो वीडियो के अंत में बताए गए उपाय को करके इस तारीखों को शुभ बनाने का प्रयास अवश्य करिएगा। अब बात करते हैं 18 और 19 तारीख की। 18 और 19 तारीख का दिन शुभ समय रहेगा। आज की सुबह आप प्रसन्न व अच्छे विचारों के साथ दिन की शुरुआत करेंगे। आपके चेहरे पर तेज रहेगा। आज आपकी कल्पना शक्ति तेज होगी। आज आप किसी भी व्यक्ति से सभी काम निकलवाने में कामयाब रहेंगे। आज आप परिवार व मित्रों का सुख भोगेंगे। आपका प्रेम जीवन साथी के प्रति बढ़ेगा। आज आप धन कमाने के अनेक अवसरों को पहचानकर लाभ उठा सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी यह दिन बहुत बढ़िया और खुश मिजाज रहेगा। आज आप तार्किक व बढ़िया शब्दों का चुनाव कर सभी का मन मोह लेंगे।
छात्र भी किसी ग्रुप डिस्कशन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यदि आज आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो जो भी आप जवाब देंगे प्रश्नों का, वह भी इतना सॉलिड होगा, बढ़िया होगा कि आपका चयन अच्छे पैकेज पर हो जाएगा। आज आप धन कमाएंगे खूब, लेकिन बचा शायद नहीं पाएंगे। आज आप उसूलों के पक्के रहेंगे, नौकरी व्यापार में प्रमोशन होगी, छात्रों को शिक्षा से लाभ मिलेगा। आज आप आध्यात्मिक व सामाजिक जीवन दोनों को बड़ी ही तालमेल से बिताएंगे। आज आप घर की साज सजावट का सामान भी खरीद कर घर को सजा सकते हैं। जीवन साथी के साथ प्रेम बढ़ेगा, उसके साथ रोमांटिक पलों का भी आप आनंद लेंगे। आज आप अपना व अपनों का पूरा ख्याल रखेंगे। विदेश यात्रा के लिए भी आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अब बात करते हैं 20 और 21 तारीख की। आपके परिवार को सुख मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी और धन जोड़ने में भी आप कामयाब रहेंगे। आज आप नए लोगों को रोजगार देकर अपने काम को और आगे बढ़ाकर ले जाएंगे। वाणी में कोई दोष ना रहे, इसके लिए सोच समझकर शब्दों का चुनाव करें। आपका व्यक्तित्व सामने वाले को विवश कर देगा कि वह आपकी बात माने। आज आप एक से अधिक व्यवसाय कर सकते हैं। स्त्री पक्ष से रिश्ते बढ़िया रहेंगे, वासना के प्रति आपकी इच्छाएं तेज रहेंगी। आज आप इज्जतदार लोगों की श्रेणी में आएंगे। विदेश के योग बनेंगे, आपकी अपनी आंखों का विशेष ख्याल रखें। घर में मांगलिक कार्य होंगे, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, सकारात्मक सोच होगी। घरेलू और कामकाजी महिलाओं को भी सम्मान मान प्रतिष्ठा मिलेगी और उनका भी आज दिन बेहतरीन जाएगा। अब बात करते हैं शुभ तारीखों की। 18, 19, 20 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी। और अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, उपाय, क्योंकि यह उपाय आपके शुभ समय को और शुभ बनाएगा और जो भी अशुभता होगी आज के दिन में उसको समाप्त कर आपको खुशहाल बनाएगा। उपाय नंबर 1, आपको एक मुट्ठी चावल को लेना है और उस चावल को अपने सर के ऊपर से घुमाना है 7 बार घड़ी की दिशा में और उसके बाद उसको मछलियों को खिला देना है। उपाय नंबर 2, शाम के समय दूध, खोया और बंगाली मिठाइयों का सेवन नहीं करना है। उपाय नंबर 3, शाम के समय संभव हो तो उबलते दूध को पानी की छींटे मारकर शांत करें, क्योंकि हर घर में दूध उबलता है तो उबलते हुए दूध में जब उबाल आता है तो पानी की कुछ छींटे मारकर दूध शांत हो जाता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो अशुभ दिनों में आपका गुस्सा भी शांत होगा और आपकी मानसिक स्थिति भी बेहतर रहेगी। उपाय नंबर 4, ध्यान रखिएगा दूध उबल उबल कर कहीं गिर ना जाए या दूध आप गैस पे या चूल्हे पर रख कर भूल ना जाए और वह जल जल कर थोड़ा खत्म ना हो जाए, यानी दूध का जलना आपके लिए मानसिक पीड़ा और चिंता बढ़ाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी मेष राशि वालों का दिन बेहतर जाए और यह सप्ताह भी बेहतर जाए। हरिओम, नमस्कार।